आपको पता है कि जो कुख्यात गैंगस्टर है, छोटा राजन का गुर्गा रहा है विक्की मल्होत्रा, दरअसल वो विक्की यादव है। और इस मेरे हाथ में जो छड़ी है इसकी भी एक अपनी ख़ास कहानी है। कहानी क्या है इस पर भी आएंगे। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है शैकल द स्टॉर्म और इसको लिखा है मध्य प्रदेश के पूर्व स्पेशल डीजी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे क्योंकि मैं भी मुंबई में काफ़ी दोनों रहा हूं और कई सारी बीट कवर किए हैं, मेरे कई साथी वहां पर अच्छे क्राइम रिपोर्टर रहे हैं और शायद उनको भी नहीं पता कि विक्की मल्होत्रा का नाम विक्की यादव है, तो इसके बारे में सबसे पहले बताइए। जब विक्की मल्होत्रा का अरेस्ट हुआ दिल्ली में और उसके बाद वो मुंबई जेल में था, इस बीच में मेरी पोस्टिंग आईजी इंदौर हुई। इंदौर में विक्की मल्होत्रा ने एक फ़ोन किया था, एक लिकर के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको फ़ोन किया था कि आप अफीम की तस्करी करते हैं, और उनको एक धमकी दी थी कि मुझे रैंसम दीजिए। वो नंबर इंदौर पुलिस के पास था और इंदौर पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया। तो जब विक्की मल्होत्रा अरेस्ट हुआ, मेरी पोस्टिंग हुई, इसी बीच में आप उस वक्त आईजी इंदौर थे? आईजी इंदौर बना था उस समय। जब मैं आईजी इंदौर बना तो वहाँ पे एक किडनैपिंग हुई फॉर रैंसम। हमने उसको जैसे जैसे आगे बढ़े तो मालूम पड़ा कि उसमें दाऊद का हाथ है और दाऊद का एक गुर्गा है आफ्ताब आलम, उसने वो किडनैपिंग कराई थी। तो इंदौर का एक टेलर था, वो ब्राइडल गाउन सिल के ले गया था। जो बड़ी अच्छी कहानी है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस किताब में ज़रूर पढ़िएगा कि कैसे शिवपुरी का टेलर था और दाऊद और जो जावेद मियादाद की जावेद मियादाद का बेटा या तो आप सोचिए कि वहाँ उनके लिए जो शादी के कपड़े सिले जाने थे वो शिवपुरी कनेक्शन था। हाँ सर आप आगे बात बताइए। तो वो किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग को हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो लैंडलाइन से सब फ़ोन आ रहे थे, मोबाइल फ़ोन का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बड़ी गैंगे जानते थी मोबाइल फ़ोन से लोकेशन ट्रेस होती है। वो सीधे सऊदी अरबिया से डायरेक्ट लैंडलाइन से कॉल आ रहे थे, रैंसम कॉल। और जो रैंसम मनी थी वो भी थ्रू हवाला मांगी जा रही थी सिंगापुर में, कराची में और टोक्यो में, ऐसे स्थानों पर इंडिया के बाहर। यानी हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता था। खैर जैसे तैसे उस केस को डिटेक्ट करते, इसी बीच में जब तक वो केस डिटेक्ट किया और काफ़ी लक ने साथ दिया और हम उन बच्चों को, पहले 2 बच्चों को रिकवर करके लाए। बाद में मालूम पड़ा कि उनमें एक तो खुद ही उनसे मिला हुआ था, दूसरा ये था। तो जब ये दुबई गया था उस शादी को अटेंड करने, जो टेलर था, तो उसने जो ब्राइडल गाउन दिया उसके बाद कुछ बख्शीश मिलती है। तो दाऊद ने उससे कहा कि तुम कोई बड़ा काम करा दो और तुम्हें दे देंगे। तो उन्होंने 4 करोड़ रुपए की रैंसम रखी। 1 करोड़ रुपए बोले जिहाद के लिए खर्च करेंगे, 1 करोड़ तुम्हें दे देंगे, 2 करोड़ दाऊद के पास जाएगा। हमने जब वो केस डिटेक्ट किया तभी हमारे ध्यान में आया कि एक केस ऑलरेडी इंदौर में रजिस्टर्ड था जो कि विक्की मल्होत्रा के थ्रेट का था। हमें मालूम पड़ा कि विक्की मल्होत्रा मुंबई में जेल में था। विक्की मल्होत्रा को लेकर इंदौर आए। जब हमने उससे बातचीत शुरू की तब उसने हमें बताया कि एक्चुअली शाहरुख खान की बाजीगर पिक्चर देखने वो गया था और उस दिन उन लोगों ने हीरे चोरी किए थे। तो उसको उसके दोस्तों ने, उस पिक्चर में शाहरुख खान का नाम विक्की मल्होत्रा है, तो उसके दोस्तों ने उसका नाम विक्की मल्होत्रा रख दिया है। वास्तव में वो मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और उसका नाम विजय कुमार यादव है। और उसके घर वालों को भी ये नहीं मालूम था कि वो विजय कुमार यादव ही विक्की मल्होत्रा है। लेकिन जब वो दिल्ली में अरेस्ट हुआ और सभी चैनल्स पे उसको देखा तब घर वालों ने कहा अरे ये तो हमारा विक्की मल्होत्रा है, अपना विक्की यादव है, नहीं तो वो हमेशा यही। पर आपने उसका मुंह खुलवाने के लिए शायद उसकी पत्नी और बच्चों से भी उसको मिलवाया था, ऐसी भी कुछ कहानी है? हाँ। हम तो एक्चुअली बेसिकली जानना चाहते थे कि अंडरवर्ल्ड के मध्य प्रदेश में क्या कनेक्शन है। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका होता था। हमारा ये था कि उसको विन ओवर कर दो क्योंकि बहुत छोटा सा ऑफेंस था। उसने एक फ़ोन कॉल ही किया था। हम लाए ही उसको इसलिए थे इंदौर जिससे हम उससे जानकारी इकट्ठी करें। तो हमने उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसको खाना खिलाया। वो अपने एडवोकेट के साथ आया था। एडवोकेट से हमने कहा हमें कोई इसके साथ कोई मारपीट नहीं करना है, कोई इसको प्रताड़ित नहीं करना है हमको। हम तो उसको लेके आए जानकारी के लिए कि आफ्टरऑल मध्य प्रदेश से कनेक्शन क्या है, क्यों उसने रैंसम कॉल दिया और बाकी अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है। तब वो हमारे विश्वास में आ गया। मैंने उसकी पत्नी से उसकी बात भी कराई। फिर बाद में उसकी पत्नी और बच्चे को इंदौर आए उससे मिलने, तो वो भी व्यवस्था की, तो बहुत प्रभावित हुआ। तब उसने हमको खुला और उसने बताया, अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से वो ऑपरेशनल मैन है, किस तरीके से वो ऑपरेशंस लॉन्च करता था, कैसे अंडरवर्ल्ड में शामिल हुआ, अंडरवर्ल्ड की क्या गतिविधियां थी, वो सब चीज़ें उसने हमें। दाऊद को मारने भी 3 बार गया था? हाँ, उसने 3 बार कोशिश की थी। एक बार जब दाऊद की छोटी बेटी की पीलिया से डेथ हुई थी, तब बरियल ग्राउंड पे कराची में, तब वो नेपाली पासपोर्ट पे गया था, और जब तक वो सुबह बरियल ग्राउंड पे पहुंचता उसके पहले आईएसआई ने जो आम सप्लायर थे उनको पकड़ लिया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया 2 नेपाली लड़कों को हमने AK-47 बेचे हैं रात में। तो वहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई और दाऊद वहाँ नहीं गया। तब ये लोग हथियार फेंक कर वहाँ से भाग गए। ये पहला था। दूसरी बार इंडिया क्लब में, दुबई में है, विक्की मल्होत्रा के अनुसार जो उसने मुझे नरेशन दिया कि वहाँ पे रोज़ सुबह और अंडरवर्ल्ड का गोल्ड का रेट डिक्लेयर किया जाता था दाऊद के द्वारा या दाऊद के किसी एजेंट के द्वारा। शरद शेट्टी नाम था, जो डेनी जो फिल्म स्टार है उनके जैसा देखने में था, इसलिए इसको डेनी कहते थे वो, बाकी उसका नाम शरद शेट्टी था। तो इन्होंने एक कराची में एक 60 करोड़ रुपए का शिप खरीदा और 2 टीवी खरीदे LED, और टीवी के अंदर का सब सामान निकाल लिया और अपने हथियार अंदर पेस्ट कर दिए और उसके बाद स्क्रू लगा के और फेविक्विक से टाइट कर दिए। अब वो शिप से दुबई पहुंचते हैं और इंडिया क्लब के बगल में एक बड़ी ऊंची मंजिल पे 3 लाख रुपए महीने का एक फ्लैट लेते हैं, उसमें रहते हैं। 1-2 महीने तक दाऊद नहीं आता है। इतने में दुबई पुलिस को शक हो जाता है, तो दुबई पुलिस इनके फ्लैट पर रेड कर देती है। जब दुबई पुलिस रेड करती है तो देखते हैं इनके पास कुछ मिलता नहीं। वो टीवी उठाते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेविक्विक से इसके खोला नहीं गया, तो उन्होंने उसको फेंक के चले गए। बाकी ये कहानी के लिए लोगों को किताब पढ़नी होगी। अच्छा, ये जब आप पढ़ेंगे इसी कहानी में जिसका सर जिक्र कर रहे हैं, जिस लड़के का अपहरण हुआ था, तो आपको पता लगेगा कि कैसे एक सगे दोस्त ने पैसों के लिए अपने सगे दोस्त को धोखा भी दिया था। बहरहाल सर, बढ़ते हैं अब अगली कहानी की तरफ। जैसा हमने कहा था सर, इस छड़ी ने आपको करियर की सबसे पहली कामयाबी दिलाई, और बड़ा वो वाकया भी बहुत अजीब सा था। ये छड़ी, इसमें डिवाइन पावर है। मैं बहुत सारे केसेस में जब एकदम विफल हो जाता था, परेशान हो जाता था, शुरू में तो आदत थी इसी छड़ी को लेके जाते थे, अदरवाइज़ हम लोग का एक IPS बेटन होता है, वो बेटन लेके जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसका नाम भी किताब में दिया है, और हमारे बाकी नाम तो MS जाफर सेठ है, मेरा बैचमेट है, IPS ऑफिसर है। इस किताब नहीं, तमिलनाडु काडर का है, और इस किताब में केवल डॉन के और पुलिस अफसरों के नाम ओरिजिनल हैं, बाकी सब नाम परिवर्तित हैं, उनकी आइडेंटिटी छुपाई गई है। तो जाफर सेठ जी गए थे कश्मीर, वहाँ से अपने लिए वो लेके आए थे। बहुत खूबसूरत बेटन था। मैं उसके कमरे में गया, हम नेशनल पुलिस एकेडमी में हॉस्टल में थे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, मैं अपने कमरे में वापस आ गया। थोड़ी देर बाद वो आता है, दरवाज़ा नॉक करता है, बोलता है मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मतलब बस वो डिवाइन ब्लेसिंग्स दे के चला गया। उसके बाद जब मेरा पहला केस हुआ, बाय चांस ये मेरे पास था हाथ में, और जब हम परेशान हो गए, एक बच्ची का रेप विद मर्डर था, उसकी हील्स भी काट ली गई थी उसके चांदी कड़े निकालने के लिए, बहुत ब्रूटल था। और जब हम परेशान हो गए और कुछ नहीं मिल रहा, और मालूम पड़ा कि 7 साल पहले भी ऐसी ही ऑफेंस हुई थी। उस वक्त आपका पद क्या था? मैं थाना प्रभारी के पद पे था, इंचार्ज। वैसे मैं ASP अंडर ट्रेनिंग था। तो इसको मैंने परेशान होकर और एक थैश की हट में जब उसकी सर्चिंग कर रहे थे, उसे मारा, तो ऊपर से एविडेंस गिरा हमारे ऊपर और हमने देख के पहचाना, और ये बेटन से वहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर बहुत सारे केसेस में इसको वो आप समझिए कि वो एविडेंस क्या था। वो एक टोकरी में मूली रखी हुई थी, मूली के पत्ते बेचने निकली थी। हाँ, उसके बाद डिसअपीयर कर गई, और जो शख्स उसे ढूंढने की बात कह रहा था, बहाना बना रहा था, दरअसल उसी ने उसकी हत्या की थी, और वही पुलिस को लगातार मिसलीड कर रहा था। और 7 साल पहले भी उसी ने, हाँ, और उसी के घर से मिला। तो एक छड़ी ने 2 कहानियाँ या कह लीजिए कि 2 FIR सॉल्व करवा दी, 2 मामले सॉल्व करवा दिए। तो बहुत करामाती है सर को, बहुत सारे मुश्किलों में सर। लेकिन उसके बाद चलिए, मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाता, आप डिवाइन जस्टिस की बात कर रहे हैं, अगली कहानी आपकी अंधविश्वास से जुड़ी हुई थी, लेकिन सर चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो, आम इंसान हो, जब आपके हाथ में एक सरकटी लाश दिखती है, जब आपने लिखा है, वो शब्द बहुत परेशान करते होंगे। आपके भी हाथ में जब पहली दफ़ा आया होगा, क्योंकि मैंने कई सारे ब्लास्ट कवर किए हैं मुंबई में, माहिम ब्लास्ट और बाग, तो जब ऐसे क्षत विक्षत शव दिखते हैं तो सर थोड़ी देर के लिए तो किसी का भी दिल बैठ जाता है। वो आपका पहला तजुर्बा कैसा था? ट्रेनिंग की बात अलग होती है, लेकिन जब रियल लाइफ में ऐसा हो। नहीं, हमने ट्रेनिंग में भी ऐसी नहीं देखी थी, लाइफ में पढ़ते हैं या वैसी कहानियाँ सुनते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स, और ऐसे आपके हाथ में आ गई। और ऐसे नहीं, हम तो लड़की की, बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई सामने, हम उसको सीधा कर रहे थे। उन दिनों इतने स्ट्रिक्ट नियम थे और कोई लेडी थी नहीं और घर वाले तैयार नहीं थे बॉडी को सीधा करने के लिए। तो मैंने खुद सोचा छोटी सी बच्ची है, उसको शोल्डर पकड़ के उठा के कि उसको सीधा करें, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर उठाया तो उसका सर ज़मीन में था, वो तो अलग था, और धड़ हमारे हाथ में। और अपने परिजनों ने पूरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरे समझ में नहीं आया कि। अब बहुत दिन तक वो ब्लड पूल और बॉडी हाथ में, रात में कहेंगे कि सपनों में भी ऐसा आता रहता था कि वो बॉडी हाथ में है, सर कटी हुई बच्ची की लाश है। और अपने परिजनों ने अंधविश्वास के लिए कि खजाना मिल जाएगा या कुछ ऐसा। हाँ, बीमारी दूर हो जाएगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। सर अगली कहानी ऐसी है जिससे मुझे लगता है हर पुलिस वाले को गुजरना पड़ता है, भले आप नाम ना बताएं, नाम हमें पता है। सिंगोली में जो भी आपके साथ हुआ, और उसके वजह से लगभग मुझे लगता है 2.5 साल आपके जो काफ़ी सारे बैचमेट्स थे जिनको अलग अलग पोस्टिंग मिल गई, मध्य प्रदेश में सरकार बदली और आप एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग पे पड़े रहे। सिंगोली में जो घटना हुई शायद उसी की वजह से जी। तो कभी ऐसी बातों को याद करके मन दुखी होता है कि बहुत करियर में पीछे छूट गए थे उस वक्त को, अगर याद करें तो? मैं समहाउ ये कहूँ, मेरे ट्रेनिंग में एसपी थे एस.के. राउत साहब, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी लाइफ में ग्रे पैचेस आएँ तो कुछ हॉबी ऐसी डेवलप कर लो जो तुम्हें साथ देगी, वो तुम्हें हैप्पीनेस देगी। अब मैं ज़रूर रिट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ कि 2 साल 2.5 साल मैं बटालियन में रहा, कभी कभी ह्यूमिलिएशन भी होता था। पुलिस हेडक्वार्टर में सीनियर ऑफिसर्स मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे बैचमेट्स मुझे बताते थे कि तुम पर्सोना नॉन ग्राटा हो और तुम फील्ड के लिए अनफिट पाए गए हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा। पर अगर संक्षेप में ऐसा क्या हो गया था, बाकी तो लोगों को किताब पढ़नी होगी कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी सज़ा दी गई? मेरा कोई रोल नहीं था, और रिट्रोस्पेक्ट में ज़रूर मैं देखता हूँ कि पुलिस की कुछ ज्यादतियाँ थीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम थी। अब सोचता हूँ कि सुपरविज़न और अच्छा, लेकिन मेरी आप उस वक्त एसडीओ पुलिस था, मेरे दूसरे दिन की पोस्टिंग थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। रात में एसडीएम का फ़ोन आता है, सिंगोली चलो, रात में क्या अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे आगजनी हो गई है, सब स्टेशन जला दिया गया। हम जाते हैं तो वहाँ पे कर्फ्यू टाइप की स्थिति थी, सब पूरा वीरान था, जो भी, क्योंकि फोर्स खूब भेज दिया था और शायद लोगों से पुलिस आतंकित थी और पुलिस से लोग आतंकित थे। गवर्नमेंट मशीनरी वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती थी, बिजली आती नहीं थी, आधे घंटे 1 घंटे के लिए आती थी, रिस्पांस कुछ मिलता नहीं था। तो जो यूथ था वो बहुत चिढ़ा हुआ था, और वो एक कुछ दिन पहले शायद नायब तहसीलदार की पिटाई उटाई कर दी। तो बिजली जाने की वजह से इतना बड़ा दंगा शुरू हुआ और उन्होंने सबने बदला ले लिया, जो पहले पिटे थे पुलिस वाले या दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर्स, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट पिटे थे उनको इतना सारा फोर्स मिल गया, तो उन्होंने ले जाके इनकी सबकी पिटाई उटाई करके इनके खिलाफ बहुत कार्रवाई कर दी और उनको ले जाके दूसरे थाने में बंद कर दिया, ये किया। तो सब ऐसा हुआ कि पूरी व्यवस्था में मैं अकेला नया था, तो एक मैसेज गया, और मैं किसी को जानता नहीं था, तो मैसेज ये गया कि शायद मैंने ये सब कराया है, मतलब मैं ही डेविल हूँ इस पूरे घटनाक्रम। पुलिस वालों पर ही सबसे पहले आरोप लगते हैं। सर ने इस किताब में नाम नहीं लिखा, लेकिन तारीख के हिसाब से मैं तो कह सकता हूँ मेरे ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं लगने वाला है कि सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बन गए थे और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई थी। सर मैं गलत तो नहीं हूँ? पटवा जी बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ, जिन्होंने सर को कहा कि मैं जब मिले नहीं थे तो कि मैंने सोचा था शैलेंद्र श्रीवास्तव कोई भयानक मूँछों वाले इंसान होंगे जिनकी आंखें बड़ी लाल लाल होंगी। आप अपने शौक की बात कर रहे थे, तो शेफाली को आपने तो लिया नहीं सर? रखा नहीं। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मैं कहूँगा सबको ऐसे अनुभव से गुजरना चाहिए। वैसे मैं दर्शकों को पहले बता दूँ, शेफाली गोड़े का नाम था ना, जो आपको, हाँ, जो आपको फिर आपके बॉस भी रहे और उस्ताद भी कह सकता हूँ, जिन्होंने आपको इसका शौक़ दिलाया। ये डार्क पैचेस बड़े अच्छे होते हैं, आप कुछ ना कुछ निखर के आता है। तो मैंने घुड़सवारी बहुत अच्छी सीख ली, आती थी पहले से, कुछ मेडल वेडल पाए तो थे उनके साथ में। अब तो छोड़ दिया, नहीं बहुत साल पहले छोड़ दिया, लेकिन वो हमसे बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने मेरे से, मैंने वन डे इंटरनेशनल इवेंट कमांड किया था परेड उसकी, तो मेरे से इतने खुश थे, हमको टेंट पैकिंग में मेडल भी मिला था। तो उन्होंने मेरे को वो घोड़ी अपनी उनकी पर्सनल मेयर थी राठौड़ साहब की, के एस राठौड़ साहब की, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट कर दिया घोड़ा। तो जब उन्होंने मुझे वो गिफ्ट कर दिया तो मैंने कहा लेकिन मैं बांधूंगा कहाँ, ले कैसे जाऊँगा। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े कि साहब मैं स्वीकार करता हूँ। उसकी फ़ोटो अभी भी हमारे पास है, उस घोड़े पे परेड कमांड करते हुए फ़ोटो हमारे पास है। मैंने हमारे लिए इतना बहुत है, इसको हम बांध के कहाँ रखेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। सर आगे बढ़ते हुए कुछ और कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी इसमें, पर चूँकि अभी कुछ दिनों पहले वापस से वो विवाद गर्मा गया था धार भोजशाला का, और जब वहाँ पर पहली बार तो नहीं कई बार हुए हैं, लेकिन आपके वक्त में भी जब आप इंदौर IG थे तो एक दंगा भड़का था और बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि एक ही साथ नमाज भी पढ़वाना था और पूजा भी करवानी थी। तो वो कैसे आपने उस चैलेंज को, क्योंकि काफ़ी शायद आपको यहाँ से भी फटकार पड़ी कि भाई नमाज का वक्त हो गया और हो नहीं पा रहा, उस सिचुएशन को कैसे डील किया था आपने? दो चीज़ें, एक तो जब से भोजशाला खुली थी, पहले तो बंद रहती थी, पहली बार इतिहास में, अब तो उसके बाद तो 2012 में भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ हो गए थे। इसके पहले जो नियम थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भोजशाला प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, तो उनके नियम ये थे कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होगी और जुमा के दिन नमाज होगी। अब दोनों एक साथ हो गए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देश आए कि सनराइज से 12:30 बजे दिन तक पूजा और हवन कराना है, और 12:30 से 1 के बीच में भोजशाला खाली कराना है, 1 से 3 फिर नमाज कराना है, और 3 से 3:30 खाली कराना है, और फिर 3:30 से फिर सनसेट तक पूजा और हवन कराना है। बड़ा कठिन है, जब 5000 लोगों की एक पब्लिक मीटिंग होती है, वो खाली कराना मुश्किल जाता है। उस समय बहुत उन्माद था लोगों में, और 1 लाख मेजॉरिटी के लोग पूजा और हवन के लिए थे वहाँ पे, और 20-25 हज़ार माइनॉरिटी के लोग थे जो नमाज पढ़ना चाहते थे। ये डिवाइन ग्रेस है, और उस दिन भी ये बेटन मेरे हाथ में था। तो बेटन ने आपको कई बार आप नहीं मालूम, उस दिन तो लग रहा था कि स्थिति ऐसी है कि शायद शाम तक ज़्यादातर अफसर या तो, लेकिन संवाद से ही हल हुआ ना। आपने धर्मगुरुओं से भी बात की, आपने फेलो ऑफिसर से भी लगातार बात करते रहे, जैसा आपने अपनी किताब में भी लिखा है। भोपाल में भी कई धर्मगुरुओं से बात की और वहीं से एक पैसेज निकला। एक पॉलिटिकल इंटरफेस भी था, उन्होंने भी बात की जो इंचार्ज मिनिस्टर साहब थे वहाँ के, और उन्होंने भी किया, लेकिन अंत में तो भीड़ को, लीडरलेस क्राउड को कंट्रोल करना बहुत कठिन। पर आपने एसपी मैडम की बड़ी तारीफ़ की है, उन्होंने शायद बड़ी हाँ, वो आशा माथुर थी, बीच में खड़ी हुई थी अपनी जान को लेके। एक तरफ माइनॉरिटी के थे, एक तरफ मेजॉरिटी के थे, बीच में पुलिस फोर्स था, 20-25 जवानों के साथ, आर्म पुलिस के साथ में वो खड़ी हुई थी और उनको दोनों को रोक रही थी। वो पीछे से आगजनी शुरू हो गई थी, मीडिया की जितनी वैन थी वो तोड़ दी गई थी, खूब बड़े बड़े पत्थर, सिल्ले बोलते हैं उसमें, और पीछे लक्कड़ पीठा, लकड़ी के जो टॉल थे उन सब में आग लगा दी गई थी। बहुत कठिन जटिल समस्या थी, और मुझे नहीं मालूम कि कैसे क्या हुआ। और पर कोई जनहानि नहीं हुई थी उसमें, जब आप IG थे और उस वक्त जो विवाद हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई थी? जनहानी नहीं हुई, चोट लगी थी। सर चूँकि बस्तर भी मैं जाता रहता हूँ, तो गुरिल्ला वॉरफेयर को लेकर के आपने जब अपनी किताब में जिक्र किया है, एक SI का भी आपने जिक्र किया है, और आपने बताया कि कैसे आपकी सलाह को बाद के किसी SP ने नज़रअंदाज किया, और जो मानपुर है जो पोस्ट या थाना था उसमें हथियार भी लूटे गए और तमाम चीज़ें हुई। वहीं पर आपने बताया कि आपने बिल्कुल पुराने तरीक़ों से उसको महफूज रखा था, कि बांस के वो बना दिए या पत्तियाँ ये कर देते थे। तो ये क्या तरीका था और आपने क्या सीखा था कि कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में, टेररिज्म और नेक्सरिज्म में, जहाँ तक मुझे समझ में आया एक मेजर अंतर था। टेररिज्म में बहुत फास्ट पुलिसिंग चाहिए होती है और नेक्सरिज्म में बहुत स्लो पुलिसिंग चाहिए होती है। टेररिज्म में स्पॉट पे तेज़ से तेज़ गाड़ी से तुरंत पहुंचना पड़ता है, नेक्सलिज्म में पैदल चल के, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, क्योंकि वो क्लेमोर माइन लगाते हैं। अगर आप पगडंडी से जाओ और अगर नॉन रूट से जाओ, गाड़ी पे जाओ तो बम ब्लास्ट होते हैं। तो मारे जाते, ऐसे बहुत सारे अनुभव थे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हुए थे और डर चारों तरफ बैठा हुआ था। जो आप एएसआई की बात कर रहे हैं, जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था, मेरी तो पहली पोस्टिंग थी एसपी की, तो वो ट्रेन में बैठा हुआ था, एएसआई था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या नक्सलाइट एरिया शुरू हो गया है, तो इससे केवल डर। तो मेरे बताया नक्सलाइट एरिया शुरू हो गया, बात मत करो। मतलब ट्रेन के अंदर हम जंगल देख रहे हैं, उसको उतना डर था कि कहीं नक्सलाइट आके गोली ना मार दें अगर उनकी बात कर लो, इतना भय था। बहुत सारे ऑफेंसेस हुए, बहुत सारों की जान बची हुआ, लेकिन तब हमने टूल्स एंड टेक्निक्स डिज़ाइन किए। मेरा हमेशा ये मानना है कि साइकिल चलाना सीख जाओ तो एक्सीडेंट होता है, पेड़ पे चढ़ते समय नहीं होता, उतरते समय होता। क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, इसलिए मैं सीख रहा था, तो धीरे धीरे सीख के और हमने जैसे तैसे ठीक से निकल आए वहाँ से। सर, इसके बाद की कुछ कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ख़ास करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में व्यापम में ऐसा क्या बदल गया, व्यापम आपने से क्या देखा? लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये भी बता पाएँ कि जो जिस तरह से उंगलियाँ उठी बहुत सारे राजनीतिक शीर्षस्थ लोगों पर, लेकिन कन्विक्शन तो किसी का हुआ नहीं, तो मेरा सीधा सवाल है क्या जाँच में कमी रह गई, क्या हुआ था ऐसा? ये बात का तो मुझे नहीं मालूम है। जब मैं आईजी था तो एक ऑफेंस हुआ था और वो सबको इकट्ठा करके और क्वेश्चन पेपर रात में सॉल्व कराते थे, वो हमने पकड़ा था क्वेश्चन पेपर। और हम ये ज़रूर है कि वो 8-10 लोगों को अरेस्ट किया था, उनका चालान भी हुआ था और शायद उसमें तो कन्विक्शन भी हुआ होगा। लेकिन बाद में जो कहते हैं ना कि अपराधी पुलिस से आगे चलता है, ये खेल चलता रहता। पुलिस अपग्रेड करती है, अपराधी आगे बढ़ता है, फिर पुलिस अपग्रेड करती है, फिर अपराधी तोड़ निकालता है। उसमें एक चीज़ होती है, पुलिस के पास एक यू हैव टू वर्क अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, रूल्स रेगुलेशंस में, प्रोटोकॉल्स में काम करना पड़ता है, इथिक्स होते हैं। क्रिमिनल्स के पास कोई इथिक्स नहीं होते हैं, कोई मोरल नहीं होता है, कोई नियम कानून नहीं होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तेज चलते हैं। उन्होंने तुरंत अपना एक मोडस ऑपरेंडाई चेंज किया। उन्होंने सोचा कि पुलिस फ़ोन इंटरसेप्शन में सुनती है, पकड़ती है, इकट्ठे होते हैं, तो उन्होंने कहा आप तो OMR शीट में चेंज करेंगे, रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर देंगे, बाद में उनको बुला के RTI के थ्रू OMR शीट निकलवाएंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। तो मोडस ऑपरेंडाई चेंज हुई, बाकी बाद वाले केसेस के इन्वेस्टिगेशन में मेरा कोई रोल नहीं। सर, हम आखिरी सवाल पर आएंगे क्योंकि आपकी तो ये 60 साल की मेहनत है, हमारे पास 20-22 मिनट का वक्त होता है, तो ये न्याय भी नहीं होगा और पाठकों को भी चाहिए कि किताब खरीद के पढ़ें क्योंकि इतने दिनों की मेहनत है। एक बहुत बुंदेलखंड के एक बहुत बड़े राजनीतिक रहे और इस सवाल में आप एक अच्छा वक्त भी ले सकते हैं बताने के लिए। चूँकि अब वो दुनिया में है नहीं, तो आपने नाम नहीं लिखा है लेकिन मुझे नाम पता है। लेकिन वो बिल्कुल कहानी वैसी है जो किसी बॉलीवुड फिल्मों की तरह वो कैसे मर्डर कराते थे और कैसे बाकी आपराधिक गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया था। आपने उनको कैसे पकड़ा और कैसे आप मानते हैं कि एक तरह से डिवाइन जस्टिस हुआ? पहली चीज़ तो जो उनका वकील था, रिश्तेदार भी था, सगा भांजा था, और उसकी लड़की पे इनकी नज़र ठीक नहीं थी, जिसको उसने पहचान लिया, भांजे ने, सगा भांजा था। तो जब उसके पिताजी की डेथ होती है तो वो इनको बुलाता है, मामा जी बोलता है, और इनके पैर धोता है और पूरा पानी पी जाता है कि आज से आप ही मेरे पिता समान हो, क्योंकि उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए था अपनी लड़की के लिए, और अपनी लड़की वहाँ से शिफ्ट कर देता है। ये उनका सगा मामा का भांजा, सगा भांजा था। तो वो अपनी लड़की को वहाँ से शिफ्ट कर देता है। फिर कैसे क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन कैसे कांटेक्ट हुआ और लड़की कैसे दोबारा उसके कब्जे में आई ये तो नहीं मालूम, और किसी ने बताया भी नहीं, इनको भी नहीं मालूम। इस घटना के कुछ दिन पहले वो जब अपनी माँ के पास गई थी तो उसने माँ को फ़ोटो पे दिखा के कहा था इस आदमी से, बस इतना, मतलब एक डर का एक ऐसा एहसास कराया कि इस आदमी से मुझे खतरा है। उसके बाद खैर रेलवे ट्रैक के पास में एक डेड बॉडी मिलती है और वो एक सैक में बंद, और वहाँ पे एक जीप के टायर के निशान थे, उसको हम निकालते हैं। सब कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन डिवाइन जस्टिस ये होता है कि हमने जिसका नाम दिया, देन देयर वाज अ बस टिकट। उसकी बॉडी पे ऐसा ना ऑर्नामेंट था, ना कुछ था, आइडेंटिटी कुछ नहीं था, और क्योंकि 6-7 घंटे 8 घंटे पहले की डेथ थी तो बॉडी स्वेल कर गई थी। तो हमारे DIG साहब थे अशोक अवस्थी, उस दिन नगर निगम का चुनाव था भोपाल में, सब लोग फील्ड में एक्टिव थे। अशोक पास में ही था, तो जब उसने सेट पर खबर सुनी डेड बॉडी मिली तो ये चला गया। फिर इसने फीमेल पुलिस ऑफिसर की मदद से उसकी अच्छे से सर्च कराई तो उसकी जेब में एक टिकट मिल गया, वॉल्वो बस का था, जो इंदौर से भोपाल आने का था, उसके पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा था। तो इन्होंने सोचा वो लड़की का ही नंबर होगा, तो उन्होंने जब डायल किया तो उसकी फ्रेंड थी जो शताब्दी एक्सप्रेस से कहीं निकल गई थी बाहर, तो उससे बात हुई, तब आइडेंटिटी खुली, तब तुरंत फास्ट स्पीड से इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन पे डिटेक्ट हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ। क्या अगर संक्षेप में समझना चाहें, क्योंकि सर उन नेता के बारे में ये था कि उनके घर में तालाब में मगरमच्छ भी रहते थे और ये था वो, क्या ये सारी सच्ची बातें कपोल कल्पना? ये उन्होंने खुद ही एक बाइट दी थी कि लोग कहते हैं मैंने 100 मर्डर किए हैं लेकिन बॉडी तो एक की भी नहीं मिली। फिर एक बार जब मैं भोपाल में पोस्टेड था और उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी कि करीब 92 के आसपास की बात होगी, और दो बहुत अच्छे ऑफिसर, मैं नाम भी ले सकता हूं, और उन लोगों ने उसके किले में तोड़फोड़ की थी और वो सबको तोड़ दिया था वहाँ पे, और तब ये लाइमलाइट में बात आई थी कि वहाँ पे मगरमच्छ रहते हैं हाँ, और जिनको डेड बॉडी खिला दी जाती है, बॉडी कभी मिली नहीं। बाकी एक यूनियन होम मिनिस्टर के रिलेटिव को भी एक बार उसने कहते हैं कि किसी फार्म हाउस में पॉइंट ब्लैंक मारा था यूपी में, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ था, एनएसए ज़रूर हुआ था लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ था केस में। ये पहली बार है कि उसको कन्विक्शन भी हुआ इस केस में, और कुछ विस्पर्स तो ऐसे हैं कि शायद मेडिकल बोर्ड को फेल करने के लिए कुछ ऐसा इंजेक्शन वगैरह लिया, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं ली गई, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और डेथ हो गई जेल में। तो किताब में उनका नाम हाथी राजा है, बुंदेलखंड के हैं, लेकिन अगर आपको सही में जानना है तो आप ये किताब खरीदिए और थोड़े सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस नेता की बात हो रही है जिसके किले में वाकई मगरमच्छ थे। 100 से ज़्यादा मर्डर, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा था कि किए और किसी में कन्विक्शन नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं इस किताब में जिसका नाम है शैकल द स्टॉर्म। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।